आपको YouTube वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए लो प्रेशर बेस्ट ब्रांडेड माइक जो कि नॉइज कैंसलिंग भी और जिससे आप अपने कैमरे स्मार्टफोन और पीसी में भी यूज कर सके। तो बने रही मेरे इस वीडियो में लास्ट। हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूँ अपने इस इलेक्ट्रो अनबॉक्सिंग चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ वो है अपनी वायरिंग वन माइक्रोफोन्स और करने जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग और दूंगा इसका रिव्यू। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास बोया की BY-M1 माइक्रोफोन्स का बॉक्स है जो कि सबसे सस्ता सबसे ज़्यादा बिकने वाला माइक्रोफोन्स है और यहाँ पे बॉक्स के पीछे कुछ डिटेल्स दी हुई है माइक के बारे में। यहाँ पे लिस्टेड है कुछ फीचर्स और कुछ स्पेसिफिकेशंस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस माइक के बारे में कि आप अपने किसी भी स्मार्टफोन या कैमरा या लैपटॉप या PC में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए इस बॉक्स का करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। और यहाँ पे एक बोया का यूज़र मैनुअल है, कैसे यूज़ करना है ये पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग के साथ एक लेदर का पाउच दिया हुआ है जो कि माइक आपका सब उसी पाउच पे है। और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है जिसका कि 12 मंथ का वारंटी है। और बॉक्स में कुछ नहीं है। चलिए बॉक्स को करते हैं साइड में और इस पाउच में देखते हैं क्या है। सबको निकालते हैं पहले बाहर और दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे 20 फीट का वायर है जो कि इस बोया माइक का प्लस पॉइंट है। और इस पाउच में कुछ नहीं है। चलिए पाउच को करते हैं साइड में और यहाँ पे एक स्पंज दिया हुआ है जो कि मेन माइक के ऊपर में लगेगा। और ये 1.8 का जैक है और ये क्लिप है जिसको कि कपड़ा में आप यूज़ कर सकते हैं माइक को यूज़ करने के टाइम। और ये LR44 का ल्यूमिनस बैटरी है। अब चलिए माइक को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्विच दिया हुआ है जो अगर आप कैमरा पे यूज़ करेंगे तो कैमरा पे कर दीजिए, स्मार्टफोन पे कीजिए स्मार्टफोन पे कर दीजिए। और यह माइक आपका देख सकते हैं बोया की बहुत ही काफ़ी अच्छा और पूरा माइक आपका दिया हुआ। वायर का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ देख सकते हैं वायर काफ़ी लंबा है। और चलिए इसका एडाप्टर में हम बैटरी को लगा लेते हैं। इसका बैटरी यहाँ पे आप टाइट कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रू घूमने वाला है, इसको घुमाते हैं धीरे धीरे। मेन माइक के ऊपर में हम इस पंच को लगा देते हैं काफ़ी बारीकी के साथ क्योंकि बहुत ही नाजुक सा चीज़ है ये, अगर फट जाएगा तो फिर आपको वो नया मिलेगा नहीं ये। और ये क्लिप को यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में आराम से किनारे दिया हुआ है गैप, उसमें हम लगा देते हैं इसको। खपाने वाला चीज़ है, इसको खपा देते हैं तुरंत। और आप इसको अपने शर्ट पे कोई भी कपड़ा अगर पहने हुए हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1.8 का ये जैक को लगा सकते हैं और इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको YouTube के लिए अच्छा माइक चाहिए तो आप यही माइक को सिलेक्ट करें क्योंकि लो प्राइस में ब्रांडेड माइक आपका यही है जो कि काफ़ी हद तक नॉइज कैंसलिंग करता है। और इसका वायर भी 20 फीट का है जो कि काफ़ी आपका यूजफुल हो सकता है। अगर आपको ये माइक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।